मंदिर मस्जिद विवाद के बीच सबसे ज्यादा चर्चा 1991 के वर्शिप एक्ट की हो रही है, जिसके मुताबिक 1947 के बाद धर्म स्थलों का चरित्र नहीं बदला जा सकता। अब इस कानून को लगातार चुनौती दी गई है। अभी तक कुल 7 लोगों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। याचिका देने वालों में नया नाम मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का है। तो दो तस्वीरें आपके सामने, आप जानते ही हैं किस तरीके से मंदिर मस्जिद जो विवाद है वो ज्ञानवापी का कोर्ट पहुंच गया है। लगातार सुप्रीम कोर्ट में 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती दी जा रही है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सर्वे या इस तरीके के जो मुकदमे हैं वो कोर्ट में चलने ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये पहले ही साफ है कि धार्मिक स्थल 1947 के बाद जो भी उनका स्वरूप है वो एज इट इज रहेगा। उधर हिंदू पक्ष ये कहता है कि नहीं, इस ये जो एक्ट है इसी को चैलेंज किया जा रहा है और अब नया नाम जो है वो कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का जुड़ा है। देवकी नंदन ठाकुर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उनका यही कहना है कि ये एक्ट जो है इसको खारिज किया जाना चाहिए। और हमारे साथ मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर और मुस्लिम मामलों के जानकार सैयद जव्वाद जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी देवकी नंदन जी, आपने ये जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है इसकी क्या जरूरत आन पड़ी आपको अचानक? देखिए, अचानक ये बात नहीं है। जिस समय औरंगजेब इत्यादि आए, आप सभी जानते हैं इतिहास को, आप सब जानते हैं भली प्रकार जानते हैं, उन लोगों ने आकर जिस तरीके से हमारे पूजा स्थलों को, स्पेशली काशी अयोध्या और मथुरा, जहां पर आकर सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और मंदिर तोड़े, वहां पर जबरदस्ती मस्जिद बनाई इत्यादि, ये सब जानते हैं। इसके विषय में आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। सिटी जानिए, कोरिया सिटी। शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है। आपको पता होगा वो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है। कमिया, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। We'll be right back.
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।